आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि यदि y इक्वल टू हो a cos log s प्लस b sin log s, तो प्रूव करना है s स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1s y n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 y n इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है y इक्वल टू a cos log s प्लस b sin log s, ये दिया है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। फिर क्या किए, इसमें दोनों ओर डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू s। डिफ्रेंसिएशन किए, dy ds लगाए दोनों ओर। अब देखिए dy by ds y1 होता है, ये आपका u प्लस v है, तो u में डिफ्रेंसिएशन किए प्लस v में डिफ्रेंसिएशन किए। डिफ्रेंसिएशन का नियम आप जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको बाहर कर लेते हैं। फिर आया d, डिफ्रेंसिएशन किए cos log में, तो cos के एंगल नीचे आया, फिर एंगल ऊपर गया, तो ये log के अंदर वाला नीचे आया। जो आप प्रॉपर नियम पढ़े हुए हो फंक्शन और फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन, वैसे ही फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन sin log s, log नीचे आ गया, log ऊपर गया, उसके अंदर वाला नीचे आया आपका। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, एंगल जो है वो लिखे, लॉग का वन बाय एस प्लस बी, साइन का कॉस लॉग और लॉग का वन बाय एस, इसको सॉल्व किए माइनस बाहर आ गया, माइनस ए साइन लॉग एस बाय एस प्लस बी कॉस लॉग एस बाय एस, एलसीएम लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया एस वाई वन इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एस प्लस बी कॉस लॉग एस, ये आया हमारा इक्वेशन टू। अब क्या किए हम, इक्वेशन टू आया, फिर देखिए, फिर हमने क्या किया, इक्वेशन टू जो है इसमें डिफ्रेंसिएशन किए दोनों ओर एस के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एस लगाए दोनों ओर। इक्वेशन टू में हमने क्या किया, दोनों ओर डी बाई डी एस लगाए, ये यू इंटू वी में है, तो यू इंटू वी का यू वी का डिफ्रेंसिएशन प्लस वी यू का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू, ये u प्लस v में है जैसे पहले बनाए हैं अभी हम, तो u का डिफ्रेंसिएशन प्लस v का डिफ्रेंसिएशन। आप पढ़े हैं y1 का डिफ्रेंसिएशन y2 हो जाता है, जैसे y का y1 वैसे ही y1 का y2 हो गया, ये s का 1 हो गया। फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गया, साइन का जो एंगल है वो नीचे लिए फिर ऊपर गया, ऐसे ही यहाँ पे कॉस में भी किए, जो हम अभी हम y एक बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं वैसे ही साइन का कॉस हो गया, लॉग का वन बाय एस, कॉस का माइनस साइन हो गया, लॉग का वन बाय एस। फिर हम इसको अरेंज किए, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने पे अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एस को मल्टीप्लाई किए, इसमें इधर आया ये, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया इतना, इसका वैल्यू पढ़े हैं फ्रॉम वन, वन से वन में क्या है तो ये वाई के बराबर है। अब ये आ गया आपका एस स्क्वायर वाई टू प्लस एस वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन थ्री मान लेते हैं हम, ये इक्वेशन थ्री आया। अब इसमें देखिए, अब इक्वेशन थ्री आया, इसके बाद हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थ्री हमको मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम आप पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे दिया हुआ है कैसे प्रूव किया जाता है लेबनीज़ थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम हमने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया दोनों ओर एस के रिस्पेक्ट में एन टाइम्स, किस में, इक्वेशन थ्री में, इक्वेशन थ्री के दोनों ओर एन टाइम्स हम डिफ्रेंसिएशन किए हैं। जैसे हम एक बार डिफ्रेंसिएशन, दो बार, तीन बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वैसे ही लेबनीज़ थ्योरम की सहायता से किसी भी फंक्शन का एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर सकते हैं जब दो फंक्शन यू इंटू वी में हो। तो यहाँ पे आया आपका क्या, पहला फंक्शन ये आपका इक्वेशन थ्री में ये क्या है, u इंटू वी में है, इसको u लिए, इसको v लिए, देखिए तो एन सी जीरो, यू ऐसा ही रहा, या इसको हम ये y2 को u ले लेते हैं और v आपका s स्क्वायर, जिसका डिफ्रेंसिएशन जिस जल्दी करने पे जीरो आ जाए उसको हम क्या करते हैं, v मान लेते हैं। तो यहाँ y2 को u मान लिए, तो v रखिए जीरो यहाँ पे ही, मतलब u का n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, तो y2 है तो n प्लस टू हो गया। फिर एन सी वन, v का एक बार डिफ्रेंसिएशन, u का n प्लस टू हो गया तो n प्लस वन।
फिर एन सी टू लिए तो एन सी टू तो यू भी का दो बार डिफ्रेंसिएशन, दो बार करेंगे तो दो आ जाएगा यहाँ पे, और y का n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन। अब इसके आगे चलेंगे, अगर हम v का थ्री टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट का जीरो होते हैं, जीरो हो जाएगा तो अगला टर्म हम नहीं लेंगे। फिर ऐसे ही दूसरा फंक्शन इसी में इक्वेशन थ्री का जो दूसरा टर्म है ये भी u इंटू वी में है, जहां देखिए इस s का डिफ्रेंसिएशन दो बार करते करते ये जीरो हो जाता है, इसको v मान लिए हम और इसको हम u मान लिए, y वन को u मान लिए। फिर इसमें भी लेबनीज़ थ्योरम लगाए, एन सी जीरो भी यू का एन टाइम डिफ्रेंसिएशन प्लस एन सी वन भी का एक बार डिफ्रेंसिएशन, एन प्लस वन हो गया है भी में यू में तो यू का एक बार ए एन हो जाएगा, इसके आगे चलेंगे तो ये जीरो हो जाएगा वन का डिफ्रेंसिएशन, फिर वाई का एन टाइम डिफ्रेंसिएशन वाई एन हो गया। अब इसको तोड़े, एन सी जीरो का वैल्यू आप जानते हैं, एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है तो ये वन लिखे, एस स्क्वायर वाई एन प्लस टू, एन सी वन का वैल्यू एन होता है 2s y n प्लस वन, एन सी टू का फॉर्मूला होता है आप पढ़े हो बाइनोमियल थ्योरम में, एन सी आर बराबर होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, उसी की सहायता से एन सी टू का वैल्यू हो गया n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू ये 2 हो गया, यहाँ पे आ गया y n, इसको भी तोड़े हम ये आया। अब सबको मल्टीप्लाई किए सॉल्व किए, सॉल्व करने पे एक लाइन में ये आ गया हमें। अब क्या किए, सेम जैसे वाई एन प्लस टू अकेला है इसको रखे, वाई एन प्लस वन यहाँ है और यहाँ है, इस दोनों को एक में रखे, वाई एन वाला ये है ये है ये है, इस तीनों को एक में रखे, एक में रखने के बाद सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन तो ये एन एन कट गया तो रहा आपका एस स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एस वाई एन प्लस वन, यहाँ रह गया एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो, यही हमको प्रूव करना था। बहुत ही आसान है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में प्रायः आते हैं तो इसको हमें बार बार समझना है देखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।